हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू एवरीवन। क्लास नाइन्थ में आज टुडे वी स्टार्ट द रेस्ट ऑफ लेसन। सप्लीमेंट्री बुक मूवमेंट का जो फर्स्ट लेसन अपन पढ़ रहे थे पिछले लेसन में, यानी कि पिछला जो अपन का सेशन था उसमें अपन ने जो है इसके बारे में फर्स्ट पार्ट के थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था और शुरू किया था। आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए सेकंड पार्ट को अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछला जो अपना जो सीजन था उसमें जो है अपन ने पेज नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। तो अपनी बुक निकाल लीजिए आप, मूवमेंट है ना, और इसका जो है पेज नंबर 1 और 2 अपन ने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद में पेज नंबर 3 का सेकंड पैराग्राफ, ए स्वीट मीट सेलर वैक, यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे आज। तो अब सब अपनी अपनी जो है बुक्स को जो है अपने सामने रख लें और मेरे साथ साथ जो है ये लर्न करें। इससे पहले एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, कि मैं जो है व्हाट्सएप के द्वारा PDF में इस लेसन के जो रेस्ट ऑफ मीनिंग्स हैं वो भेज रहा हूँ, बहुत ही काफ़ी मात्रा में हैं वो, तो उनको थोड़ा लर्न कर लेना एक बार, उनका एक फायदा रहेगा। लर्न करने से अपन जो ये लेसन पढ़ेंगे, ये वीडियो देखेंगे आप बाद में, तो जो है आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, तो ये ज़रूर कर लेना। उसके बाद उस PDF में मैंने क्वेश्चनों के आंसर भी भेजे हैं होमवर्क में, तो वो भी जो है आप कर लेना बाद में। पर सबसे पहले इस लेसन को समझने के लिए वो वर्ड्स मीनिंग को जो है लर्न करना अति आवश्यक है, बहुत नेसेसरी है। तो ये जो है करके ही आप जो है ये स्टार्ट करना। तो लेट अस बी स्टार्ट। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। जैसे ही उन्होंने मेले में प्रवेश किया तो सबसे पहले प्रवेश द्वार के कोने पर एक मिठाई विक्रेता चिल्लाया, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी और उसके काउंटर पर सोने व चांदी के बर्कों से सजी हुई बहुत सी रंग बिरंगी और सुव्यवस्थित मिठाइयों की निकट भीड़ इकट्ठी हो गई थी। मतलब जो उसके पास जो बहुत सारी जो है अच्छी अच्छी मिठाइयाँ थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड, स्टेयर्ड माने होता है घूरना, द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आई एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। जो बच्चा था वो स्टेयर्ड माने होता है एक जो है घूरना, आँखें फैला करके देखना, अपनी आँखों को फैला करके उसने जो है उस दुकान की तरफ देखा और जैसे ही उसने वो बर्फी की तरफ देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया, यानी कि जो बर्फी थी वो बहुत ही जो है उसको पसंद थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, मैं ये बर्फी लेना चाहता हूँ, ही स्लोली मर्मर्ड, मैं थोड़ा धीरे से जो है बुदबुदाया, मर्मर्ड माने होता है बुदबुदाना या कहना। बट लेकिन तभी ही हाफ न्यू एज ही वैग्ड दैट हिज प्ले प्ली वुड नॉट बी नीडेड हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी। परंतु वह मांग रखते समय वह भी भली भांति जानता था कि जो उसके आग्रह पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि वह लालची है, वे क्या है ग्रेडी है यानी कि लालची है, वो पहले से इस बात को जानता था। सो इसीलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए क्या किया उसने उत्तर की भी प्रतीक्षा नहीं की और वह उसके बिना उत्तर प्राप्त किए वह आगे बढ़ चला। अ फ्लावर सेलर हॉक अ गार्लैंड ऑफ गुलमोर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोर, द चाइल्ड सीम्ड इररेस्टिवली ड्रॉ ही वेंट टुवर्ड द बास्केट वेयर द फ्लावर ले हीव्ड एंड हाफ मर्मर्ड। एक फूल विक्रेता चिल्लाया, गुलमोर की माला, गुलमोर की माला,
बच्चा उन फूलों के प्रति बरबस ही आकर्षित हो गया। अ गार्लैंड मतलब होता है माला, है ना। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन, मतलब क्या होता है जैसे अपन जो बच्चा होता है वो क्या होता है उसकी तरफ जो है आकर्षित हुआ बरबस ही, है ना। ही वेंट टुवर्ड द बास्केट वेयर द फ्लावर ले हीव्ड एंड हाफ मर्मर्ड। और फिर क्या हुआ, वे उस टोकरी की ओर गया जिसमें फूलों का ढेर रखा हुआ था और हल्के से बुलबुलाया, क्या कहा उसने, आई वांट दैट गार्लैंड, मुझे ये माला चाहिए। गार्लैंड मतलब होता है माला। वट लेकिन ही विल ही वेल सॉरी वेल मैंने अच्छा ही वेल नू, वे अच्छी तरह जानता था कि हिज पेरेंट वुड रिफ्यूज टू वाई हिम दो फ्लावर बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। लेकिन वो इस बात को भी अच्छी तरह जानता था कि जैसे ही वो जो है उस माला के लिए जो है खरीदने के लिए अपने माता पिता को कहेगा तो वो उसके लिए ये कहकर के इनकार कर देंगे। क्या कहेंगे उसको, फूल खरीदने से पहले वो क्या कहेंगे उसको, ये चीज़ घटिया है, चीप माने घटिया यानी कि खराब, है ना। सो इजीलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और इसीलिए वो बिना जो है आंसर की प्रतीक्षा किए आगे बढ़ा। मूव्ड ऑन मतलब बढ़ा आगे, है ना। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। एक फूल विक्रेता चिल्लाया गुलमोहर की माला के बाद में, एक जो वापस जो है एक फूल विक्रेता जो है वो जो है चिल्लाने लगा, और जो है इसी के बाद में जैसे ही वो आगे बढ़ा तो उसने देखा कि ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो, एक व्यक्ति हाथ में डंडा लिए हुए खड़ा था, है ना, है ना, जिसके अंदर येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून फ्लाइंग फ्रॉम इट, जिस पर कि बहुत सारे जो है पीले लाल हरे और बैंगनी गुब्बारे उड़ रहे थे, यानी कि उसके पास। द चाइल्ड वाज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड ही वाज फिल्ड विद एन ओवर ब्लेमिंग डिजायर टू पोजेस देम ऑल। बच्चा स्वभाव रूप से उनके रेशमी रंगों की इंद्रधनुषीय छटा से बहुत ही प्रभावित हो गया अत्यधिक, और वह उन सबको पाने की तीव्र इच्छा से भर गया। डिजायर माने इच्छा, टू पोजेस माने भर गया, देम ऑल पूरी इच्छा थी उसकी कि क्यों ना जो है वो उसको खरीदे। बट लेकिन तभी ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून बिकॉज दे वुड से ही वाज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि उसके माता पिता उसे कभी गुब्बारे खरीद करके नहीं देंगे क्योंकि वे कहेंगे कि वह ऐसे खिलौने से खेलने के लिए बहुत बड़ा है, यानी कि छोटी उम्र के बच्चे इसको खेलते हैं, अब तेरी उम्र जो है इन बच्चे इस बैलून से खेलने की नहीं है, ऐसा वो उसको कह करके मना कर देंगे, है ना। वे अच्छी तरह इस बात को जानता था, हो गए। इसीलिए फिर क्या हुआ, सो ही वॉक डाउन फर्दर, तो इसीलिए फिर वो क्या हुआ आगे बढ़ चला। देन आ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू ए स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट। तभी उसने आगे देखा कि एक जो है सपेरा था जो कि एक टोकरी में कुंडली मारकर बैठे हुए एक सांप के सामने वीन बजा रहा था, प्लेइंग ए फ्लूट, फ्लूट माने जो बांसुरी होती है उसको बजा रहा था। तो उसने एक विच कोयल, कोयल माने जो है कोयल की तरह जैसे जो है कुंडली मार करके जो है ना वो जो है बास्केट में बैठा हुआ एक सांप था, और जो है वो स्नेक चार्मर यानी कि जो बीन बजा जो सांप को जो है वो सपेरा बोलते हैं इसको, स्नेक चार्मर वो जो है बीन को बजा रहा था। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल वेंड लाइक द नेक ऑफ स्वान। जब वह संगीत और सांप के अदृश्य कानों में किसी अदृश्य झरने की कलकल की मंद ध्वनि के समान पड़ रहा था तब उसने अपना सिर एक हंस की गर्दन के सुंदर घुमाव की भांति उड़ा रखा था। मतलब जब जैसे ही इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल वेंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, स्वान माने होता हंस, तो जो अपनी गर्दन थी उसने वो जो है एक हंस की तरह जो है उठा रखी थी। वाइल माने जब, द म्यूजिक स्टॉल इन टू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल
वाटरफॉल। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर व्हाट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोरस म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्ले ही प्रोसीडेड फर्दर। तो अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो जो है वहाँ पर जो है उसको सुनने की गर्दन के ऊपर गर्दन को ऊंचा करके जैसे ही वो सुन रहा था तो उसके जो फादर है तो बच्चा उस सपेरे की ओर गया, उसने देखा, किंतु वे जानते हुए कि उसके माता पिता ने सपेरे द्वारा बजाए जाने वाले इस प्रकार के कर्कश संगीत को सुनने से मना किया है, लेकिन वो इस बात को जानता था कि इसको भी वो अवॉइड करेंगे और इसके लिए भी वो ना कहेंगे, है ना, और ये कहेंगे उसको वो कि ये जो बीन जो बजाते हैं सपेरे ये बहुत ही कर्कश होती है, यानी कि ख़राब होती है ना। तो ही प्रोसीडेड फर्दर, वे आगे बढ़ गया। देयर वाज ए राउंड वट इन फुल स्विमिंग। वहाँ पर एक चक्करदार झूला पूरी तरह तेजी से घूम रहा था। देयर वाज ए राउंड वट इन फुल स्विंग। राउंड वट मतलब होता है चक्करदार, है ना, फुल स्विंग मतलब पूरा घूम रहा था वो तेजी से, स्विंग मतलब तेजी से। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन ए बिल्डिंग मोशन। और उसमें क्या हो रहा था, जो है गोल गोल घूमते हुए झूले पर पुरुष स्त्री और बच्चे झूलते हुए हंस रहे थे। क्या कर रहे थे उस पर, उस झूले पर। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन ए बिल्डिंग मोशन श्रिक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर। मतलब वो चिल्ला रहे थे और हंस रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड ए व्हाट प्लीज फादर मदर। और जब उसने ये देखा तो फिर क्या हुआ, उसने बहुत से उसे देखा जो चीख रहे थे चिल्ला रहे थे, तो बच्चे ने बहुत ध्यान से उन्हें देखा और फिर उसने एक साहसपूर्ण निवेदन अपने माँ पिताजी से किया कि मैं झूले में झूलना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से आज जो है अपन ने पेज नंबर ये 3 को जो है अपन ने कंप्लीट किया है। अब अपन आते हैं पेज नंबर 4 का फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले पैराग्राफ में है, देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर अहिड ऑफ हिम। लेकिन उसके कोई, जैसे ही उसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे झूले में झूलना है, लेकिन देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन वहाँ से कोई उत्तर उसको नहीं मिला। ही टर्न, और वो मुड़ा, टू लुक एट हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप को देखने के लिए मुड़ा, दे वर नॉट देयर, वे वहाँ पर नहीं थे, अहेड ऑफ हिम, ही टर्न टू लुक एन आइदर साइड। और जो है क्या हुआ, फिर उसने माता पिता को देखने के लिए पीछे घूमा लेकिन उसको सामने नहीं मिले, तो वे उधर उधर देखने के लिए मुड़ा, ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, इधर उधर, है ना, दे वर नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ भी नहीं थे। तो ही लुक्ड ऑन आइदर साइड, मतलब आइदर साइड का मतलब होता है इधर उधर देखना, है ना, उसने उधर उधर देखा लेकिन वो उसके जो है माँ बाप उसको कहीं भी नहीं देखे। तो दे वर नॉट देयर, है ना, वे वहाँ नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा, देयर वॉज नो सिग्न ऑफ देम, लेकिन वहाँ भी जो है उसने पीछे देखा लेकिन वहाँ पर कोई उनका आता पता नहीं था। नेक्स्ट पैराग्राफ, अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रॉट एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड। उसका गला सूख गया था और वह अत्यधिक तीव्र व गहरी चीख निकल पड़ी उसकी। अ फुल डीप क्राई, क्राई मने मतलब एकदम गहरी चीख, मतलब जैसे बच्चा होता है ना तो वो रोने लग जाता है, मतलब जैसे उसको अचानक से कोई उसके माँ बाप गायब हो जाए, तो ऐसे उसकी चीख निकलने। और जो है फिर वो क्या हुआ, ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और फिर वो जो जहाँ पर खड़ा था वहाँ से वह दौड़ा, क्राइंग इन रियल फियर मदर फादर, और जोर जोर से वो कहने लगा पिताजी माताजी, ऐसे करके वो चिल्लाने लगा और वो इधर उधर दौड़ने लगा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, और जो है उसकी आंखों से जो है बड़े बड़े आंसू जो है निकलने लग गए। हॉट एंड फायरेसी, हिज फ्लूज्ड फेस वाज
कन्वुलेस्ड विद फियर, जो उसका चेहरा था वो बहुत डर गया था, वो मतलब डर से जो है वो एकदम लाल हो गया था, और पैनिक स्ट्रिकन, उसका जो है पैनिक मतलब दर्द, उसके दर्द जो है भया हो रहा था। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, वे पहले एक तरफ गया फिर दूसरी तरफ गया, हाइदर एंड हाइदर इन ऑल डायरेक्शंस, और उसने इधर उधर सभी दिशाओं में जो है उनको खोजना प्रारंभ कर दिया, सर्च कर रहा था वो वहाँ पर, लेकिन उसको वो मिल नहीं रहे थे। नोइंग नोट वेयर टू गो, और उसको ये पता नहीं था कि वो कहाँ चले गए। मदर फादर ही वेल्ड, सुसाउंड दौड़ा, वह रोते रोते पुकार रहा था, माँ पिताजी वेल्ड है ना, रोते रोते। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ बीकेम मडी, उसकी जो पीली पगड़ी खुल गई थी, उसकी जो पगड़ी उसने पहन रखी थी ना येलो, उसकी जो है वो क्या हुआ था, खुल गई थी, है ना। येलो टर्बन माने पगड़ी जो सिर पे पहनते हैं ना, केम अनटाइड माने खुल गई थी, है ना। एंड हिज क्लॉथ बीकेम मडी, और जो इसके जो कपड़े थे वो जो है कैसे हो गए थे, मडी मतलब मिट्टी के हो गए थे, है ना, कपड़े धूल से भर गए थे। तो एंड नेक्स्ट पैराग्राफ, हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए वेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, और जब ऐसी स्थिति हो गई थी तब भाभा भी इसमें उत्तेजना की धुन में कुछ समय तक इधर उधर दौड़कर वह थक गया, है ना। हैविंग रन टू अट एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल ही स्टूड डिफीटेड, हिज क्राइज सुपराइज्ड सुपर इज्ड इन टू सॉफ्ट, और जो है बाबा भी इसमें उत्तेजना की धुन में कुछ समय तक भी इधर उधर दौड़ कर भी थक गया और हार मान करके एक स्थान पर खड़ा हो गया, है ना। तो इस प्रकार से जो है वो बहुत ही थक गया था। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रो 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 इज फिल्मी आईज मैन एंड वुमेन टॉकिंग, अपनी आंसुओं से भरी हुई धुंधली आंखों से वह कुछ दूरी पर हरी घास पर स्त्री पुरुषों को बातें करते हुए देख सकता था, मतलब वो देख रहा था कि वहाँ पर जो है कुछ लोग जो हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं हरी घास पर। ही ट्राई टू लुक इंटेंसली एमोंग द पेचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ बट देयर वॉज नो सिग्न ऑफ हिज फादर एंड मदर एमोंग दीज पीपुल हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग। देखा उसने कि वहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जो है ग्रीन घास पर जो है बातचीत कर रहे थे, तो जो है उसने देखा कि माँ पिताजी कहीं हों तो वो उधर की तरफ जो है देख रहा था। उसने चमकीले पीले वस्त्र पहने हुए लोगों के बीच ध्यान से देखने की कोशिश की कि कहीं उनके मदर फादर हों, उसने देखा था, लेकिन परंतु उन लोगों में से अपना माता पिता का कोई चिंतक उसको नहीं मिला। वे लोग उसे व्यर्थ ही हंस हंस करके बातें करते हुए प्रतीत हुए। तो इस प्रकार से जो है वो बेचारा जो बच्चा है वो जो है परेशान हो रहा था। ही रेन क्यूबली अगेन दिस टाइम टू ए श्रीम टू विच पीपुल सीम टू बी क्राउडिंग एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज कंगेस्टेड विद मैन। वह पुनः तेजी से दौड़ा। ही रेन क्यूकली मतलब क्यूकली मतलब जोर से तेजी से, है ना, अगेन दिस टाइम टू ए श्रीम टू विच पीपुल सीम टू बी क्राउडिंग, यानी कि इस बार वह एक मंदिर की ओर गया जिसकी ओर लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई प्रतीत हो रही थी। मतलब वो कहाँ गया, दिस टाइम ये श्रीम टू विच पीपुल सीम टू बी क्राउडिंग एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजेस्टेड विद मैन, जहाँ पर बहुत सारे भीड़ हो रही थी, कंजेस्टेड मतलब जो है भीड़ भरा जो इलाका था उसकी तरफ वो जो है गया, वहाँ इंच मात्र भी जगह नहीं थी कि जो है वो मतलब इतनी सारी भीड़ थी। बट लेकिन ही रेन थ्रो पीपुल्स लेग्स हिज लिटिल सॉफ लाइनरिंग मदर फादर, परंतु वे लोगों की टांगों के बीच में होकर दौड़ता रहा। माँ पिताजी बोलते हुए उसके मुंह से अभी सिसकियाँ उठ रही थी, मदर फादर बोलते हुए सॉफ्ट लिंगरिंग मतलब होता है एक जो है
उसके जो बच्चा था वो जो है वो वहाँ के जो लोग थे उनकी टांगों में से होकर इधर उधर गुजर जा रहा था और जो है सिस्कियाँ उसकी निकल रही थी नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल। और ये जो स्पेस था वो जगह कहाँ थी, नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, ये जो है जो टेम्पल था वहाँ पर जो मंदिर था उसके जो है नियर बाई यानी कि पास में जो एंट्रेंस था उसका वहाँ पर ही इतनी भीड़ हो रही थी और जो बच्चा है वो जो है लोगों की टांगों में होकर के बेचारा रो रो करके अपना बुरा हाल था उसका, है ना। हाउ एवर द क्राउड बीकेम वेरी थिक, मैन जोस्टल्ड ईच अदर हैवी मैन, मतलब लोग एक दूसरे को धक्का मार रहे थे, है ना, और जो है क्राउड इतना जो है गहरा हो गया था कि लोग जो है धक्का मुक्की कर रहे थे, हैं, और हष्टपुष्ट लोग जो थे ना वो क्रोध में लाल हो रहे थे, हैं, है? और बीकेम वेरी थिक मैन जोस्टल ईच अदर हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आईज एंड हेफ्टी सोल्जर्स। वो जो है क्या कर रहे थे, जो हैवी लोग थे ना शक्तिशाली, वो धक्का मुक्की कर रहे थे, है ना, और जो है क्रोध में लाल हो रहे थे, है ना, जो अष्टपुट लोग थे वो क्रोध में लाल हो रहे थे और जो शक्तिशाली लोग थे वो धक्का मुक्की कर रहे थे, है ना। द पुअर चाइल्ड, पुअर मतलब यहाँ पुअर के मतलब ये गरीब से, मतलब यहाँ पर मतलब बेचारा उस टाइम की जो उसकी जो परिस्थिति थी मतलब, है ना, तो उसके आधार पर उसको वहाँ पर क्या बोला गया है, द पुअर चाइल्ड यानी कि बेचारा बच्चा, है ना। स्ट्रगल, स्ट्रगल माने होता है संघर्ष करना, है ना। टू थ्रस्ट ए बे बिटवीन देयर फीट व्हाट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स। बेचारे बच्चे ने उनके पैरों को बीच से रास्ता बनाने का बहुत प्रयास किया। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, मतलब उसके जो टांगे थी उन लोगों की उनमें से बीच में से जो रास्ता बनाने का बहुत प्रयास किया। हैड ही नॉट स्लिप्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस। फादर मदर ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स। तभी जब वो ऐसा कर रहा था, है ना, और जो है उनकी टांगों में से जाने का प्रयास कर रहा था, तो उसने जो है और माँ पिताजी ऐसे जोर जोर से चल रहा था, तभी उस उमड़ती हुई भीड़ में से एक व्यक्ति ने उसकी चीख सुनी, है ना, ए मैन इन द सर्जिंग, सर्जिंग मतलब होता है वो क्या कहते हैं उसको, बहुत ज़्यादा उमड़ रही हो भीड़ जैसे ना, बहुत ज़्यादा, है ना, चीख क्राउड, है ना। हियर डिज क्राई, उसकी जो क्राई है ना, उसकी चीख जो थी माताजी पिताजी ऐसे वो जो चिल्ला रहा था वो, है ना, तो वो उसने सुनी। स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, है ना, और जो है वो फिर क्या हुआ, और बड़ी मुश्किल से नीचे झुक करके, है ना, क्योंकि वो इतनी भीड़ थी तो वो बेचारा झुक भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने कोशिश करी और जो है उसने झुक करके उस बच्चे को अपनी गोदी में, अपनी आर्म्स में, अपनी गोदी में ले लिया, ठीक है ना। तो अब एंड देन नेक्स्ट पैराग्राफ, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, और फिर उसने एक छोटा सा प्रश्न उस बच्चे से किया, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे, हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्प्रीडेड क्लियर ऑफ द मास। भीड़ से जब बाहर वो निकल के आ गया तब उसने ये प्रश्न उस बच्चे से किए। द चाइल्ड बीप्ड मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, लेकिन बच्चा अब भी पहले से भी अधिक फूट फूट करके रो रहा था। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, और उसकी मुँह से केवल दो ही जो है लाइनें निकल रही थी, मेरे पिताजी चाहिए मुझे और मेरी मुझे माँ चाहिए, है ना। द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंडेबट। उस व्यक्ति ने उसको शांत करने के लिए ट्राई किया, मतलब कोशिश की, टेकिंग हिम टू द राउंड टेबल, और वो उसे जो है कहाँ लेके चला गया, झूले पर लेके गया, है ना, सांत्वना देने के लिए, है ना। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, तो जैसे ही वो वहाँ पर जो है उस झूले के घेरे के बाद पहुँचा,
तो उसने एक प्रश्न किया, विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम एक घोड़सवारी की सवारी करना पसंद करोगे। ही जेंटली आस्क्ड, बड़ी विनम्र ही उसने बड़े प्यार से जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोचिंग द रिंग, जैसे ही वो झूले के पास पहुंचा था आदमी, तो उस पर्सन ने उसको बच्चे को पूछा कि तुम घोड़े की सवारी करना पसंद करोगे क्या, बहुत ही नम्रता से, विनम्रता से, है ना, जिससे कि वो थोड़ा उसको जो है रोना बंद हो जाए, यानी कि है ना इस प्रकार से, है ना। तो द चाइल्ड्स थ्रॉट टॉर इनटू ए 1000 श्रिल सॉफ्स एंड ही ओनली शाउटेड, बच्चे के गले से हजारों तीखी सिस्कियां फूट पड़ी थी, मतलब उसको अब कुछ भी सूझ नहीं रहा था, केवल उसको अब क्या ध्यान था कि उसकी मम्मी और पापा चाहिए उसको, मतलब तो वो उस चीज़ को बिल्कुल, जब उसकी जो है बात आई थी तो भी राइड करना पहले तो चाह रहा था, लेकिन जैसे ही उसके माँ बाप उससे अलग हो गए तो बेचारे का जो है बुरा हाल हो गया, और उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, केवल उसकी जो है मुँह से सिस्कियाँ ही निकल रही थी, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई मदर, और ये दो ही जो है उसकी लाइनें उसके जो है मुँह से निकल रही थी, मुझे मेरे पिताजी चाहिए हैं और मुझे मेरी माता जी चाहिए। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ आप देखिए, ऊपर ही जो है आपको ये पिक्चर दिख रही है आपकी बुक्स में, इस पिक्चर्स में देखो आप सारी चीज़ें ये बताई जा रही हैं, और ये जो बच्चा है जिसको एक जेंटलमैन है जिन्हें बेचारे ने इसकी मदद की और उसको बाहर लेकर के आया, और उसको प्रयास कर रहा है कि वो चुप करने का प्रयास कर रहा है, उसको थोड़ा सा धीरज बनाने का प्रयास कर रहा है। तो अब इसके आगे क्या होता है देखिए, द मैन हेडेड टुवर्ड द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्ले ऑन द फ्लूट टू द स्विंग कोबरा। उसके बाद में क्या हुआ, जो व्यक्ति बेचारा जेंटलमैन था, वह व्यक्ति उस स्थान की ओर बढ़ा जहाँ पर सपेरा अब भी झूमते हुए कोबरा के सामने बीज बजा रहा था, उसको वहाँ पर लेके गया, है स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्विमिंग कोबरा, है ना। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड ही प्लेडेड, सुनो बच्चे ये बहुत ही मंदिर मधुर संगीत सुनो, मतलब मधुर संगीत, लेसन माने सुनो, दैट नाइस म्यूजिक मतलब मधुर संगीत, चाइल्ड बच्चे ये मधुर संगीत सुनो, ही प्लेडेड उसने कहा, है ना उसको, बट लेकिन द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच इज स्ट्रेंथ, लेकिन क्या हुआ इसके लिए बच्चे ने अपनी उंगलियों से अपने कान बंद कर लिए और दुगनी ऊंची आवाज में चीखा, मुझे मेरी माँ चाहिए और मेरे पिताजी चाहिए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। तभी जो है वे व्यक्ति था उसे गुब्बारों के पास ले गया और उसने सोचा कि गुब्बारों के चमकीले रंगों से उसका जो है ध्यान बढ़ जाएगा और वह चुप हो जाएगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, और तभी उसने जो है उसको फुसलाते हुए पूछा, क्या तुम एक रंग बिरंगा गुब्बारा लेना पसंद करोगे। ही प्रिजर्वली आस्क्ड, बहुत ही जो है उसने मतलब प्रिजर्व तरीके से जो है उसको फुसलाते हुए पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉब्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। बच्चे ने उड़ते हुए गुब्बारों की ओर से अपनी आंखें घुमा ली, देखिए आप क्या परिस्थिति हो जाती है ना। तो एक वक्त ये था कि जब वो बच्चा जो है उन गुब्बारों की नजर तरफ जो है बहुत ही आकर्षित हो रहा था और जो उसके माँ बाप उसको दिलाने में असमर्थ थे, लेकिन अभी देखिए आप जब उसके मदर फादर उससे बिछड़ गए थे तो आज अभी वो क्या है उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है, तो वो जो है उसकी जो वो कोशिश की जो नाकाम हो गई, है ना। और फिर वापस वही उसका राग अलापने लगा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मेरे पिताजी चाहिए। इस प्रकार से जो है वो जो है बेचारा जो है बहुत ही परेशान हो गया और जेंटलमैन भी उसको जो है चुप नहीं करा पा रहा था, है ना, काफ़ी जो है बेचारे प्रयास कर रहा था, है ना। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वे व्यक्ति अब भी बच्चे को खुश करने की बहुत ही कोशिश कर रहा था। बोर्ड हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेड,
और फिर उसको वो वहाँ पर लेके आया जहाँ पर जो फ्लावर सेलर था, है ना, फूल विक्रेता, है ना, बैठा हुआ था। लोग देखो, कैन यू स्मेल दो नाइस फ्लावर चाइल्ड, देखो देखो ये क्या तुम्हें कोई खुशबू आ रही है ना, स्मेल माने खुशबू, है ना, इसकी खुशबू सिंगो, है ना, वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम ये जो गार्लैंड है, ये जो माला, उसको तुम पसंद करोगे अपने गर्दन में जो जो है पहनने पहनना। तो इस प्रकार से जो है वो उसको जो है बहुत सारी चीज़ों से आकर्षित करने लगा। देन लास्ट में क्या हुआ कि अब जो है वो द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिटायर्ड हिज सॉफ, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। तो बाबा जो लास्ट जो इसकी जो परिस्थिति थी, यहाँ पर जो फूलों की दुकान थी, है ना, वहाँ पर वो बेचारा जेंटलमैन उसको लेके गया, लेकिन वहाँ पर भी क्या किया उस बच्चे ने, बच्चे ने टोकरी की ओर से अपनी नाक घुमा ली और फिर से सुबकते हुए बोला, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। इस प्रकार से जो है वो वहाँ पर भी जो है बहुत ही निराशा हाथ लगी उस जेंटलमैन को, वो बेचारा जो है काफ़ी ट्राई कर रहा था लेकिन वो बच्चा जो है चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज दिस कॉन्सलेट चार्ज बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। और लास्ट में जो है वह बहुत ही बहुत दुखी और निराश बच्चे को मिठाइयों के उपहार द्वारा प्रसन्न करने का सोच करके वह व्यक्ति उसे मिठाई की दुकान के काउंटर पर ले गया। कहाँ ले गया था, गिफ्ट ऑफ ए स्वीट के, भाई ये मिठाई जो है देख करके तो बच्चे अच्छे अच्छे खुश हो जाते हैं। द मैन टुक हिम टू ए काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, है ना, काउंटर पर ले गया वो मिठाई की दुकान पर। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, बेटा आप क्या पसंद करोगे, कौन सी मिठाई पसंद करोगे, ही आस्क्ड, उस जेंटलमैन ने उसको क्वेश्चन किया। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉब्ड। और देखिए उस बच्चे ने जैसे ही उन मिठाइयों की तरफ देखा ही नहीं, तो बाबा जो है क्या किया उसने, बच्चे ने मिठाई की दुकान की ओर से अपना मुंह जो है फेर लिया, है ना, अपोजिट साइड में, और केवल सुबकता ही रहा, मुझे मेरी माँ चाहिए और मुझे मेरे पिताजी चाहिए। तो देखिए अपन इस स्टोरी के माध्यम से ये जो राइटर है ये बताना चाह रहा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चे के लिए क्या होती है, उसके माँ बाप। तो पहले जब माँ बाप उसके साथ में थे तो उसको बहुत सारी चीज़ें जो जितनी बाहर बाहर की जो चीज़ें हैं वो बहुत आकर्षित लग रही थी, लेकिन देन जैसे ही मान लो उसके माँ बाप उससे अलग हुए तो वो सारी चीज़ें उसको जो है ख़राब लगने लगनी। इसका मतलब उसको जो माँ बाप का जो प्यार था वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए हमेशा इस चीज़ का जो है हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम माँ बाप का बराबर जो है सम्मान करें। तो आज अपन ने इस लेसन को कंप्लीट किया, है ना, तो उसके बाद में मैं जो है मैंने बताया है व्हाट्सएप के माध्यम से मैं इस वीडियो के पश्चात या पहले ही जो है भेज दूँगा, वो तो मुझे क्या नाम से व्हाट्सएप के द्वारा पीडीएफ में भेजना है, तो उसमें से आपको जितने भी वर्ड्स मीनिंग हैं उनको अपनी होमवर्क की कॉपी में लिखना है और उसमें क्वेश्चन आंसर जो हैं इस लेसन के वो भी होमवर्क की कॉपी में आपको लिखने हैं। इसके बाद में कल जो है असेसमेंट नंबर 8 मैं जो है भेजूंगा और वो इसी लेसन से रिलेटेड होगा, तो इस लेसन में से ही उसके आंसर जो है छिपे हुए हैं, तो आपको जो है वो इस लेसन जो आपने पढ़ा है उसको दोबारा एक बार और देखना वीडियो को, और उसके बाद जो है इस जो मैं असेसमेंट जो भेजूंगा उसके जो है आपको आंसर्स को लिखना है, और वापस जो है कल ही उसको जो है ऑनलाइन मेरे नंबर पर जो है भेजना है। तो इस प्रकार से जो है आज अपन ने सप्लीमेंट्री बुक का जो लेसन है 1 द लॉस्ट चाइल्ड इसको कंप्लीट किया है, और भी कोई अगर दिक्कत आती है तो वापस जो है उसको देखिए, रिपीट करिए, है ना, ओके, थैंक यू।